आजादी के बाद अब तक हिमाचल को जाने वाली ट्रेनों में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया, मगर बरसात के दिनों में ट्रेन को रद्द जरूर कर दिया जाता है। परंतु अब रेलवे द्वारा बड़ा फैसला लेते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए पठानकोट से हिमाचल के जोगिंदरनगर तक जाने वाली ट्रेनों की स्पीड को बढ़ाया जाएगा। जिस यात्रा को यात्री 5 से 6 घंटे में पूरा करते थे, अब उसको 4 से 5 घंटों में पूरा किया जा सकेगा, जिसके लिए आज रेलवे द्वारा ट्रेन की स्पीड का ट्रायल लिया गया, जिसमें फिरोजपुर मंडल के DRM ने ट्रायल लेने के लिए ट्रेन में सफर किया। उन्होंने कहा कि नैरो गेज सेक्शन में कुछ बदलाव किए जाने हैं और रेलवे द्वारा नैरो गेज सेक्शन में स्पीड बढ़ाने का फैसला लिया गया है। नैरो गेज का इंस्पेक्शन है, नैरो गेज में कुछ इम्प्रूवमेंट के काम करने हैं, उन्हीं के संबंध में आज का इंस्पेक्शन है। एक हम फास्ट ट्रेन चलाना चाह रहे हैं नैरो गेज में, जो कि हर स्टेशन पर नहीं रुके पर जल्दी डिस्टेंस कवर करें। फिर 4 कोच का प्रोग्राम है हमारा, जो सेक्शन की जितनी स्पीड लिमिट है, कहीं पे 40 है, कहीं पे 35 है, कहीं पे आगे 20 है, जो सेक्शन की स्पीड लिमिट होगी उसी पे चलेगी।